नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडियाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन बायो पेस्टिसाइड ब्यूवेरिया बासियाना के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ब्यूवेरिया बासियाना को आप खेती में कब, क्यों और कैसे प्रयोग कर सकते हैं तथा इसे प्रयोग करने के क्या क्या फायदे हैं। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ब्यूवेरिया बासियाना 100% ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड है जो कि फसल में सभी प्रकार के कीट पतंग जैसे मिली बॉक्स, अमेरिकन बुलवार्म, सभी प्रकार के लार्वा, बिटिल, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, जसीट, थ्रिप्स, माइट्स तथा दीमक को कंट्रोल करने में काफ़ी असरदार होता है। दोस्तों, ये जो बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसके अंदर ब्यूवेरिया बासियाना का स्पोर्स है, यानी कि ये एक तरह के फंगस है। इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है और पाउडर फॉर्म भी आता है। जब हम इसे किसी भी फसल में स्प्रे करते हैं और कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ब्यूवेरिया बासियाना फंगस उसी इंसेक्ट के अंदर घुसकर उसमें एक तरह का बीमारी फैलाता है जिसे हम व्हाइट मस्काडाइन डिजीज कहते हैं। इसके कारण वो कीट या पतंग का मौत हो जाता है 2 या 3 दिन के अंदर। कहने का मतलब ब्यूवेरिया बासियाना इतना खतरनाक होता है कि इसका स्पोर्स किसी भी इंसेक्ट के शरीर में घुसने के बाद मल्टीप्लाई होने लगता है और एक तरह का जहर छोड़ने लगता है, जिसके कारण वो इंसेक्ट धीरे धीरे करके पैरालाइज होकर मर जाता है। दोस्तों, ब्यूवेरिया बासियाना को आप सभी प्रकार के फसल में यूज कर सकते हैं। पत्तियां खाने वाले कीड़े, फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर तथा रस चूसने वाले कीड़े और मिट्टी में पाए जाने वाले दीमक तथा अन्य हानिकारक कीटों को नियंत्रण करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बायो पेस्टिसाइड है तो हम इसे फसल में किसी भी स्टेज में इसका यूज कर सकते हैं। ब्यूवेरिया बासियाना को हम 3 तरीकों से फसल में प्रयोग कर सकते हैं। खड़ी फसल में कीट नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बासियाना को 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी में मिलाएं और अच्छे तरीके से पत्तियों के ऊपर और नीचे छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे फिर से दोहराया जा सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसे प्रयोग करते समय इसमें किसी भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड ना मिलाएं। मिट्टी में दीमक तथा अन्य हानिकारक कीड़ों से फसल को बचाने के लिए 1 लीटर ब्यूवेरिया बासियाना प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में ड्रेंचिंग या फिर जोताई के समय 200 से 250 किलोग्राम सड़े हुए गोबर के खाद के साथ मिलाकर इसे खेत में अच्छे तरीके से फैला दीजिए। ब्यूवेरिया बासियाना बायो पेस्टिसाइड को आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से भी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में ड्रेंचिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड में 1000 रुपया खर्चा करने से बेहतर है कि हम कम खर्चे में ब्यूवेरिया बासियाना जैसे बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करके हम अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, बाकी सभी तरह के बायो फंगिसाइड या पेस्टिसाइड के तरह इसे गुड़ के पानी में मल्टीप्लाई करना नहीं होता है। इसे आप डायरेक्ट अपने खेत में छिड़काव के लिए या फिर ड्रेंचिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, खड़ी फसल में फलियार एप्लीकेशन के माध्यम से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए ब्यूवेरिया बासियाना को सुबह या शाम के समय प्रयोग करना अच्छा होता है। ब्यूवेरिया बासियाना बायो पेस्टिसाइड को सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में सभी प्रकार के फसल में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, परंतु गर्मियों के मौसम में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है वहाँ ब्यूवेरिया बासियाना को यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण इसका स्पोर्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं और ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो गर्मियों के मौसम में ब्यूवेरिया बासियाना को इफेक्टिवली यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्यूवेरिया बासियाना एक तरह का फंगस है और इनके अंदर फंगस के स्पोर्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं और ये ख़राब होने लगते हैं। इससे जुड़ी अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।